विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को पूर्वोत्तर रेलवे के यांत्रिक विभाग के तत्वाधान में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने रेलवे अधिकारी क्लब गोरखपुर में पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में सोलर पैनल, पेस्ट कंट्रोल आवृत्ति, रोटेन कंट्रोल, बायो टॉयलेट टैंक, ऑन फोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस, क्लीन ट्रेन स्टेशन, मैग्नाइज्ड क्लीनिंग कोच, साफ सफाई उपकरण आदि का आकर्षक ढंग से प्रदर्शन किया गया। महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ रेल अधिकारियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा इसे पर्यावरण संरक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इसी क्रम में महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने रेलवे अधिकारी क्लब में ही पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित संगोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक श्री अग्रवाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में साफ सफाई एवं वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे पर ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में काफी कार्य किया गया है। रेलवे कार्यालय के भवनों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा और दोहन किया जा रहा है। इस क्षेत्र में और भी कई कार्य करने की आवश्यकता है। महाप्रबंधक ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आह्वान किया है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु प्लास्टिक के प्रयोग से बचे। उन्होंने रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आंतरिक संबंध बेहतर बनाकर कार्य करने हेतु दिशा निर्देश दिए। मुख्य रोलिंग स्टॉक इंजीनियर BS दोहरे ने धन्यवाद ज्ञापन दिया तथा रणविजय सिंह उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर ने संगोष्ठी का संचालन किया। इसके पूर्व महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे राजीव अग्रवाल, अध्यक्ष महिला कल्याण संगठन अलका अग्रवाल, संगठन की सदस्याएं, अपर महाप्रबंधक SL वर्मा तथा प्रमुख विभाग अध्यक्षों एवं वरिष्ठ रेल अधिकारियों ने महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने कहा,
जैसा कि आपको ज्ञात है, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है हर साल 5 जून, और इसका उद्देश्य ये है कि सबको इसके बारे में बताया जाए कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन कितना ज़रूरी है और इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है और आगे क्या क्या कर सकते हैं। इसी दिशा में ये आज एक अच्छी प्रदर्शनी लगाई गई है और इसमें आप देख रहे हैं, एक बार आप राउंड लीजिएगा तो पता लगेगा कि रेलवे में हम लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं, क्या क्या हम लोग आगे और कर सकते हैं।